सावन है, 22 के बाद 8 होगा। कैसे होगा उसको आप फिर से 4 × 4 करके देखिए। 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28। 28, लेकिन यहाँ तो पापा ने लिखा है 27, यानी पापा ने गलत लिखा है, या फिर पापा आद्यांश को चेक कर रहे थे। हाँ, तो आद्यांश ने क्या किया, इसमें पास हो गया आद्यांश। चलिए 27 को काट करके 28 कर दीजिए बेटा। टू एट 28। वेरी गुड, आगे प्रोसीड कीजिए। 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32। हाथ हटाइए, ये वाला हाथ। राइट डाउन। नेक्स्ट, 4 × 9 = 36, 4 × 10 = 40। वेरी गुड। नेक्स्ट, 5 का टेबल। ओके, कंटिन्यू। 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। टू में क्वालिटी नहीं है, टू में क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी आई है टू में, गोल कीजिए। हाँ, और वेरी गुड, अभी भी क्वालिटी नहीं हुआ। और रुकिए, मैं आपको बताता हूँ, गिव मी पेंसिल। देखिए, ओके, इसी तरह से यहाँ लिखिए, इरेज कीजिए उसको। 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15, 5 × 4 = 20। देख लीजिए पापा ने कैसे लिखा है। देख देख के लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत हुआ ना, एक बार हाथ घुमा लीजिए। मिटा करके फिर से लिखिए। क्वालिटी होनी चाहिए, ध्यान से अच्छे से मिटाइए। वेरी गुड, सुंदर से लिखिएगा, देख लीजिए नीचे कैसे है। राइट डाउन, वेरी गुड, क्या बात है आद्यांश, गुड जॉब, गुड जॉब।